आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें क्वेश्चन गिवन है, अ नंबर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम वन ऑफ द टू सेट्स, x इक्वल टू है 2001-2002 अप टू 2100 तक, और y इक्वल टू है 1901-1902 अप टू 2000 तक। इफ द नंबर चूजन रिप्रेजेंट्स अ कैलेंडर ईयर एंड p इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड ईयर हैज 53 संडेज, देन 2800 p इज इक्वल टू। तो यहां अगर हम लोग देखें तो इस सेट्स में कुछ ऐसे भी ईयर हैं दोनों में ही जो लीप ईयर हैं और कुछ ऐसे हैं जो नॉन लीप ईयर हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये फाइंड कर लेते हैं कि एक लीप ईयर या एक नॉन लीप ईयर में 53 संडेज होने का क्या प्रोबेबिलिटी होता है। तो सबसे पहले हम लोग नॉन लीप ईयर के लिए देखते हैं। तो अ नॉन लीप ईयर हैज 365 डेज, एंड नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो अ ईयर हैज 52 वीक्स, हेंस 52 संडेज फॉर श्योर। नाउ अगर अब हम लोग देखें तो 52 वीक्स में कितने डेज हो जाएंगे टोटल, दिस इज इक्वल टू 52 × 7 = 364 डेज। नाउ द रिमेनिंग वन डे कैन बी एनी डे ऑफ द वीक। दैट मीन्स अब इसके इस अगर ये संडे हो गया जो रिमेनिंग एक दिन है तभी 53 संडेज पॉसिबल है। दैट मीन्स क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रिमेनिंग डे इज संडे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, 1/7। एक सप्ताह में एक संडे होने का 1/7 प्रोबेबिलिटी होता है, तो 1/7 आ गया। नाउ ये हमारे पास आ गया नॉन लीप ईयर में संडे आने का प्रोबेबिलिटी। इफ द ईयर इज लीप तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, तो 52 वीक्स इक्वल टू अभी भी यही रहेगा 364 डेज। नाउ रिमेनिंग टू डेज कैन बी क्या क्या हो सकते हैं, रिमेनिंग टू डेज संडे मंडे या तो मंडे ट्यूजडे, सिमिलरली ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रिमेनिंग टू डेज ये हो सकते हैं। अब इसमें संडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, सो हेंस प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें अगर हम लोग देखें दो दो का जो बना हुआ है दिन, इसमें कितने संडेज है, एक हमारे पास इसमें है और दूसरा इसमें है। दैट मीन्स 2 इज द फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल 7 इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट मीन्स 2/7 आ जाएगा ये हमारे पास। नाउ अब हम हमारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास दो सेट गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लीप ईयर बोलते किसे हैं। तो लीप ईयर मीन्स जो ईयर 4 से डिविजिबल हो, अगर वो 100th वाला ईयर ना हो तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन अगर 100th वाला ईयर हो तो वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। दैट मीन्स यहां जो हमारे पास है 2100 ये लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन यहां जो हमारे पास है 2000 दिस विल बी अ लीप ईयर। सो अगर इसमें हम लोग देखें तो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर इसमें कितने हैं, 2004, 2008, इसी तरह से कितने हो जाएंगे अगर ये भी होता तो 25, लेकिन ये नहीं है, सिर्फ 2096 तक ही होगा।
तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें 24। और अगर हम इसमें बात करें तो 1904 से लेके 22,000 तक सारे हो जाएंगे, दैट मीन्स इसमें हो जाएगा 25। अब हमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड ईयर हैज 53 संडेज। तो सबसे पहले हम लोग यहां से पी निकालेंगे, तो पी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दो सेट में से एक सेट को चूज करना पड़ेगा, या तो एक्स या तो वाई। तो दो में से एक सेट को चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1/2। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, 1/2 हो गया दोनों सेट में से एक को चूज करने का प्रोबेबिलिटी। अब अगर हमने एक्स चूज किया, अगर हम लोग मान के चलते हैं, तो एक्स में टोटल कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉन लीप ईयर होंगे वो हमें देखना पड़ेगा। तो एक्स में लीप ईयर का प्रोबेबिलिटी क्या है, लीप ईयर का प्रोबेबिलिटी है इसमें 24/100। तो 24/100 ये हो गया लीप ईयर, और लीप ईयर में संडे जाने, सॉरी 53 संडे जाने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2/7। प्लस अगर ये नॉन लीप ईयर हुआ, अगर ये नॉन लीप ईयर हुआ तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, नॉन लीप ईयर के केस में ये हमारे पास आ जाएगा 24 के अलावे 76/100 इंटू, तब कितने हो जाएंगे 53 संडेज के प्रोबेबिलिटी 1/7। सिमिलरली और अगर हम लोग यहां देखें तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, नाउ ये हमने सेट एक्स का बात कर लिया, अब सेट वाई भी तो चूज कर सकते हैं हम लोग। तो अगर सेट वाई हमने चूज किया तो इसमें लीप ईयर 25 है, नॉन लीप ईयर 75 है, दैट मीन्स 25 लीप ईयर है, तो लीप ईयर को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 25/100। अब अगर हमने लीप ईयर सेलेक्ट किया तो इसमें 53 संडेज का प्रोबेबिलिटी 2/7, प्लस 75 इज द नंबर ऑफ नॉन लीप ईयर, तो 75/100 हो जाएगा नॉन लीप ईयर आने का प्रोबेबिलिटी, इंटू नॉन लीप ईयर में 53 संडेज आने का प्रोबेबिलिटी 1/7, ये हमारे पास आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां भी 7 × 100 है, 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 जिसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 1/700 हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, 24 × 48 प्लस 76 प्लस 25 × 50 प्लस 75, ये आ जाएगा हम लोगों के पास। सो दिस इज इक्वल टू 75 प्लस 50, ये हो गया 125, और 48 प्लस 76 124, तो 125 प्लस 124 249/1400, ये हमारे पास आ गया। ना हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, 2800 P, तो ये कितना हो जाएगा, 2800 × 249/1400, 1400 से ये 2 times में कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 × 249 = 498, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।